जाए हॉल नंबर 5 में। तो माय चैनल आ जाए, आज हम आए हैं प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर देखने के लिए। तो ये मेरा दूसरा पार्ट है जो कि हम उत्तर प्रदेश में गेट नंबर ये हॉल नंबर 5 है से एंट्री कर रहे हैं। तो ये देखिए सबसे पहले एंटर करते ही बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस मिल रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर थे, देखिए आप मार्बल में, कोई ब्रास में, कोई पीतल में, ऐसे ऐसे अलग अलग बनाए हुए थे इन्होंने। थोड़े कॉस्टली थे लेकिन देखने में बहुत ही प्यारे डेकोरेट पीस थे ये। ये जो सा दरवाज़ा नीचे पड़ा हुआ इसकी कीमत है 15,000 रुपया। और ये दुबई के सूट आए हुए थे वहाँ पर, तो उन्होंने लेस करके 1200 रुपये दे रहे थे। डिज़ाइन तो लगभग अच्छे थे सारे ही। तो आगे ये टर्किश वालों का सामान था जो कि बहुत ही प्यारा था। स्टार्टिंग रेंज इनकी छोटी सी आइटम की 500 रुपये से थी। और ये जो से आप लैंप शेड देख रहे हैं ऊपर हैंगिंग लैंप, ये लाखों तक भी थे इनके पास। बहुत ही प्यारे हैं ये, कलरफुल हैं, मिरर वर्क है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, 3000-2000 ये सब ऐसे मिल रहे थे हैंगिंग वाले। तो आगे उत्तर प्रदेश में ये थे लकड़ी का सामान बना हुआ था इनका यहाँ पर, बहुत ही प्यारा कप वगैरह। ये देखिए वॉल क्लॉक जो कि इन्होंने हमें 3000 की बताई थी, देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे। आगे फिर दुबई वालों का एक और स्टॉल आया यहाँ पर, सूट्स के डिज़ाइन, कपड़ा, प्राइस सब मुझे ओके लगा, बहुत ही अच्छा था। उत्तर प्रदेश की साड़ियाँ, ये चप्पल, जूते, जो जो मैंने रस्ते में आए वो आपको दिखाती जा रही हूँ। काफ़ी भीड़ थी इस सारे एरिया में और वैरायटी भी बहुत थी उत्तर प्रदेश में। अब की बार ये देखिए सूट कितना प्यारा, ये वाला जैकेट कैसे है ऊपर जी? वो 800 का पड़ेगा। 800 का गरम है, दिखाओगे जरा? ये बीड्स कौन से कहलाते हैं? ऑनिक्स है। ऑनिक्स बीड्स स्टोन है मैडम, ये स्टोन। अच्छा स्टोन है सारे। ये आगे बहुत ही खूबसूरत ये हमारी ज्वेलरी थी, इसमें सबसे अलग मुझे लगा ये रिंग वाली वॉच जो कि देखने में बहुत ही प्यारी, 450 की बता रहे हैं ये। मैंने पूछा वर्किंग, कहते हाँ जी वर्किंग है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए नेकलेस इनके पास सेट भी मिल रहे थे पूरे, अलग अलग बैंगल्स, चूड़ियाँ, आप जो चाहो इनसे ले सकते थे। आगे पर्सेस की शॉप आ गई है जो कि बहुत ही प्यारे, 750 के बता रहे हैं पर्स ये, छोटे बड़े स्टार्टिंग थे 750 से। ये देखिए काफ़ी हैंगिंग भी है पर्स इनके पास। और ये आगे चलते चलते हमें दिखी डेकोरेशन के फ्लावर्स की, फ्लावर्स डेकोरेशन की शॉप। चप्पल, जूतियाँ, ये पर्सीज वाली लेदर के पर्स थे, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए आप बड़े से लेके छोटे तक, यहाँ पे ये सबसे छोटा पर्स था सिर्फ 50 रुपीज़ में, सबसे क्यूट यही लगा। आगे सूट्स की दुकान है, ये था वेलवेट में सूट, ये कश्मीर पर दुबई से आए हुए थे शायद ये भी। तो इनके पास सूट की रेंज काफ़ी थी, अच्छी थी सूट्स की रेंज भी, 3500-4500 से स्टार्टिंग रेंज थी इनकी। ये पाकिस्तानी सूट थे ये सारे, ही डिज़ाइनिंग पाकिस्तानी थी इनकी सारी सूटों की, कॉटन में, शनील में, वेलवेट में, जॉर्जेट में, हर तरह के इनके पास सूट थी, अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी थी इनकी सूटों की।
आगे ये बैम्बू, ये साड़ी देखिए कितनी प्यारी है। ये साड़ी बहुत ही सुंदर, इसकी इन्होंने रेंज बताई थी, बनारसी साड़ी थी 8000 के करीब और ये सूट था 6000 के करीब। ये भी बनार बता रहे थे, सिलक में है, सूट्स की रेंज भी अच्छी थी। ये साड़ी कितनी प्यारी कलरफुल डिज़ाइनर साड़ी थी इनके पास। आगे ये बैम्बू से बने हुए जो सी ट्रे थी इन्होंने बताई थी 300 रुपए की। ये लैम्प है 1500 का बता रहे थे। ये छोटे छोटे मग थे इनके पास, कप थे जो कि इसमें कह रहे भैया कह रहे चाय पी सकते हो आप, तो ये अच्छे थे। अब आगे आगे चकले बेलने की शॉप थी यहाँ पे, ये भी सारा लकड़ी का ही सामान था इनके पास। 500 रुपये कीमत बता रहे थे चकला और बेलन की, और ये डैंड्रफ हटाने के लिए 100 रुपीज़ में, और अटैच था चकला ये वाला इनके साथ। ये इन्होंने 2000 का बताया, मैंने शायद समझी हैंगिंग है पर हैंगिंग नहीं था, ऐसे रखा जा रहा है। नीचे बेस सबका सेम है, हाँ नीचे बेस सबका सेम है। कितने का है ये? 2000 का ना। ये कॉटन में है? हाँ ये कॉटन में है। ये भी सिल्क का ना? वो भी सिल्क है, वो खाली कुर्ता है। ये खाली कुर्ता हो? यस। ये कितने का कुर्ता? 1150। इसका दुपट्टा दिखाओ कैसे इसका? ये देखिए हम दुपट्टा। दो मिनट रुक जाओ, उधर रख। बॉटम प्लेन? बॉटम पे वर्क के स्लिप पे वर्क दिखाओ। बॉटम ये बॉटम स्लिप फुल स्लीव्स बन जाएगी? कपड़ा बराबर। कितने का लगाओगे डिस्काउंट करके? 1900। ये कैसे मीटर भैया? 1200 रुपये मीटर। मीटर जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखने में, कपड़ा कलर बहुत अच्छा था इसका। और ये और ये सूट कैसा? ये सूट कैसा? दुपट्टा है इसका, दिखाओ। प्योर सिलक है, पेपर सिलक, टसर सिलक है ना, और भी डिज़ाइन थे इनके पास। प्योर सिलक का बता रहे थे, और ये चटाई वाला भी इनके पास, ये चटाई 1500 रुपये में बता रहे थे। गार्डन टेरिस हम जाके अच्छी बिछा सकते हैं इनको ले जाके। आगे ये पर्स के लेदर के पर्स थे इनके पास, वैरायटी बहुत अच्छी थी, प्योर लेदर था ये। 3500 का बताया पर्स इन्होंने, जैसे जैसे पर्स छोटे बड़े उनके प्राइस भी वैसे अलग अलग थे इनके पास। और आगे ये बहुत ही प्यारी शॉप थी, ब्रास का सामान था, तो इनका अपना अलग से भी पेज है, तो आप वहाँ भी कर सकते हो, इनसे लिंक जोड़ सकते हो। सामान बहुत ही प्यारा था लेकिन प्राइस भी बहुत उसके हिसाब से हाई थे। एक टेबल 40000 रुपये का था, नीचे इन्होंने रखा है साइड पर ये वाला। अच्छा तो से अच्छा। कौन सा इसमें से कौन सा? ये बात तो है ना, पहाड़ी पहाड़ी जाना ओके। कितने का कैसे लगाना है इसको? इसको केवल सिर्फ गुलाब जल के साथ मिलाकर क्रीम जैसे लगा दो, सुबह ठंडा पानी, सुबह ठंडा पानी जानकारी सब। थैंक यू। आगे कारपेट की शॉप है, चलती जा रही हूँ। ये कश्मीर से आए हुए थे लोग, उनके कपड़े ये आगे भैया आगे जेंट्स कुर्ते इनके पास दिखे। ये बेड कवर है, कंफर्ट। कितने का ये? 1800 का है। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से? हाँ गुजरात से। ऐसा बेड कवर भी होता है ना, वो किस प्राइस में होगा? ये किस प्राइस में है? 2200। और ये कंफर्टर कैसे बताया आपने? ये कंफर्टर ये हाँ जी 1800 का। और एक ये एम्ब्रॉयडरी वाला सेट है ये पूरा, कोई खुला हुआ है आपके?
बॉडी वाले हिस्सा। अच्छा ये फर लगा हुआ है ना, ये कितने का है? ये 3500 का। 35 ये वूलन है ये ऊपर इसके विंटर का, ये जैसे बताते हैं ना ठंडी के हिसाब से। ओके इसके लिए ये कढ़ाई वर्क में है, ये पूरे कॉटन के ऊपर है। ये पेंटिंग थी बहुत ही प्यारी इनके पास, ये हैंडमेड होती हैं सारी की, छोटी सी की कीमत भी काफ़ी होती है। ये वाली की इन्होंने 4000 के करीब बताई थी मुझे, और फ्रेम वाली 5500 में। ये देख अलग अलग डिज़ाइन है, से हो आप? बिहार पूर्णिया जिला से है और पूर्णिया जिला को रिप्रेजेंट करने आए हैं। मेरी कंपनी का नाम मणिपुरी बेम्बो आर्किटेक्चर है, जहां हम लोग 18 महिला मिलकर काम कर रहे हैं। इस काम के पीछे एक रीजन है कि इससे लोगों को रोजगार मिले, और दूसरी बात अपने दिनचर्या में लोग कम से कम मात्रा में प्लास्टिक को यूज करें, बांस को अपनाएं, ताकि पर्यावरण शुद्ध हो, सुंदर हो, हमारा देश सुंदर हो, ताकि हम लोग खुली हवा में सांस ले पाएं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये बॉटल कैसे दे रहे हैं आप? इसमें पानी पी सकते हैं? इसमें पानी पीने के लिए बना है, देखिए इसमें टेम्परेचर है। ओके इसमें आप हॉट एंड कूल पानी रख सकते हैं, चाय कॉफी कुछ भी रख सकते हैं, ताकि आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, ऊपर से इसका टेम्परेचर भी देख सकते हैं। बेम्बो ब्रश है मैम, बांस की ब्रश है। ये कैसे? अर्ली मॉर्निंग प्लास्टिक से शुरुआत करते हैं अपने दिनचर्या को, आइए हम लोग बांस से शुरुआत करें, क्योंकि बांस को आध्यात्मिक दृष्टि से काफी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। आइए हम लोग बांस को अपनाएं, ताकि वह इको फ्रेंडली है और मिट्टी में घुल जाए। मिट्टी तो बांस है, उसका टैंक क्लीनर भी था जो सेल हो चुका है। बहुत सारा सामान सेल, जैसे कि देखिए ये सब बांस को हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये बांस बुद्धा बना दिए हैं, देखिए इसकी कीमत पड़ गई है, इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। बात ये है लोगों को रोजगार, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका क्या प्राइस है? बुद्धा 2800। और छोटे वाले महास? ये मैं 2500 का है, बुद्धा सिंगल पीस। सिंगल पीस है आपको इसमें प्लेन मिल जाएगा, इसमें ये देखिए लोग इसको नजर गुजर में गेट पे लगाते हैं। कितने का है? 50 रुपीज। ये पूनिया बिहार से इनका कार है, खुद का ही अपना काम चला रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा है इनके पास। इस बार उत्तर प्रदेश बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी इनके अंदर स्टॉल में, अलग अलग चीज़ें। ये देखिए मैं दिखाती जा रही हूँ आपको रास्ते में, अगरबत्ती धूप आप जो चाहे लेना चाहो वहाँ से ले सकते हो, बिना स्टिक के भी पूरा राम दरबार। उत्तर प्रदेश में ब्रास के सामान के लिए बहुत मशहूर है। ये पूरा राम दरबार 40000 का था, बीच में नीचे हनुमान जी बैठे हुए थे, बहुत लोग को अच्छा लगा, देख देख के जा रहे थे लोग, पूछ भी रहे थे, बट प्राइस ज़्यादा होने की वजह से कोई खरीद पाएगा इसे। ये सारे ब्रास के आइटम बहुत ही खूबसूरत है, देखिए ऐसे लगते साक्षात भगवान जी बोलेंगे अभी। आगे आगे साड़ी वाले भैया, साड़ी देखिए कितनी प्यारी है, बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी है। ये 12000 पे इन्होंने प्राइस बताया साड़ी का, कलर डिज़ाइन देखिए सामने कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर साड़ियाँ थी इनके। ये डिस्काउंट करके दे रहे थे, कह रहे डिस्काउंट कर देंगे ले जाइए। आगे फिर ये ब्रास का सामान है, चक्कल बेलना, ये कप प्लेट्स मार्बल का था चक्कला बेलना, तो बाकी ये सारे ब्रास के थे। देखिए वॉल क्लॉक कितने प्यारे प्यारे हैं, और डेकोरेशन आइटम थे। आगे चलते चलते ये भैया आगे क्रॉकरी वाले, कैटर्स बहुत ही सुंदर लगे, अट्रैक्टिव थी तो देख के हम भी थोड़ी देर रुके वहाँ पर। और सामने ये हमने वास देखे जो कि 300 का बता रहे हैं भैया, आम मार्केट में भी इसका प्राइस इतना ही है, और ये 250 का छोटे वाला। कुछ सामान था जो अट्रैक्ट कर रहा था तो हम देखने के लिए ज़रूर रुके वहाँ पर, बहुत अच्छा था। आगे सूट की शॉप है, कॉटन के ये सूट थे इनके पास,
ड्रेसेस अलग अलग, ये थी जैकेट रिवर्सेबल थी, दोनों साइड से पहन सकते हो आप इसको। लगभग सभी उत्तर प्रदेश का जो जो मशहूर है सब सामान था इनके पास। भगवान जी की ड्रेसें हैं, ये कान्हा जी की ड्रेसेस बहुत सुंदर थी, कॉटन में, वेलवेट में, गरम, उनके श्रृंगार का सामान सब मिल रहा था। आगे ये देखिए छोटी सी अलमीरा, ये इन्होंने 1000 रुपीज़ की बताई, वर्किंग थी, खुल रही थी सारी, ड्रॉ थे इनके अंदर, आप सामान जो चाहो छोटा छोटा अपना सामान रख सकते हो, अपनी ज्वेलरी वगैरह। ये देखिए साइड बेड पे भी रख दीजिए, जो सा साइड टेबल होता है बेड के साथ उसमें रख सकते हो आप, रात को अपनी वॉच जो अपना सामान पहना वो उतार सकते हो, रख सकते हो। टिश्यू होल्डर 400 रुपये का बताया इन्होंने, सामान इनके पास भी बहुत अच्छा था। ये देखिए फ़ोटो फ्रेम वगैरह बहुत ही प्यारा सामान था इनका, ट्रे बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी। ये आगे बच्चों का लास्ट में है, अरे बच्चों के खिलौने बहुत ही प्यारे थे। ये एक ही डिब्बा था जो उनसा ये बॉक्स था, उससे ये 101 कहते आप टॉय बना सकते हो, ये भैया बता रहे थे 101 टॉय। ये देखिए अलग अलग बना के उन्होंने लगा भी रखे थे। आगे फिर साड़ी वाली शॉप आ गई भैया जी के पास, ये साड़ी देखिए हैंड वीविंग है सारी, ये कटार सिलक बोल रहे थे साड़ी का, साड़ी को कुछ और 15,000 के करीब रेट बता रहे थे इसका, और ये सामने ये साड़ी थी इसका बता रहे थे 1250। इसका कलरफुल साड़ी देखने में लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही थी। वही आ गई रोटी की मशीन बोल रहे, रोटी बनाने वाली मशीन, आप इसमें किसी भी तरह का आटा ले सकते हो, मकई का, बाजरे का, गेहूं का, चावल का, जो आपको बनानी रोटी तो आप बना सकते हो, जैसे मर्जी पेड़ा रखिए और रोटी गोल बन के आएगी इसकी। और इसकी उन्होंने भैया ये कैसे है, ये फ़ोन उठाइए पहले अपना, ये कितने का है, 1600 है और ये वाला ये कितने का, ये 3150। क्या लेंथ है इसकी, 3 फीट बाई 5। जूट में ही है सारा, नहीं सारा जूट नहीं है, कॉटन भी नहीं उसी में, तो जूट जूट एक ही पीस होगा कॉटन में मिल जाएगा आपको, वुलन कॉटन में मिल जाएगा। इसका क्या इतना प्राइस क्यों है मैम, इसका देखिए ये सारा नॉटिंग किया हुआ है, ये वीविंग नहीं है, ये हर धागे पे नॉटिंग किया हुआ है, और ज़्यादा नहीं है मैम, कोट मिनिमम है 1680 रुपये, कुछ नहीं है। ये भी धरना ना, ये 5 पीस इसके हम लाए थे, 4 बिक गए, ये लास्ट पीस बचा हुआ है। अच्छा ये भी रनर है, यही साइज कॉटन के, ये सस्ते हैं 1050 के, ऐसे वुल में लीजिएगा 1470 के, ठीक है 1450 रनर। ओके नाइस, और देखिए वाइट वाला।